तो गाइस अगर आप थंबनेल देख के अंदर आए हो तो आप बहुत सही आए हो, तो मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, यूट्यूब पे अगर तुम्हें अर्निंग करनी है तो उसके दो क्राइटेरिया हैं। एक तो है 500 सब्सक्राइबर प्लस 3000 घंटे का वॉच टाइम, और उसके बाद जो एक है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम। ये वाला तो पहला ही है, और अब जो आया है ना, मतलब हाल ही में कुछ ज़्यादा दिन उसको हुए नहीं है, तो उस पर अगर तुमने 500 सब्सक्राइबर और 3000 घंटे कर लिए तो कुछ तुम्हारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कब? अब देखो, ऐसा नहीं है कि तुमने कोई YouTube पे वीडियो डाली और उस पर कोई कॉपीराइट नहीं आया भैया, तो तुमने सोचा कि ये तो कंटेंट सही है, जो कि वैसे ठीक भी है सोचना। लेकिन अब क्या होता है, जब तुम्हारा ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया तो तुम्हें ऑटोमेटिक तो ये मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा, तुम्हें ये अपने आप मैन्युअली इसको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई का, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा उसके ऊपर, ठीक है ना। तो अगर आप अप्लाई करोगे फिर उसके बाद इनकी जो टीम है वो उसको चेक करेगी, और उसको चेक करने के बाद अगर उसको लगा कि तुम्हारा कंटेंट अच्छा है, जेन्युइन कंटेंट है, तुम खुद ही बनाते हो, एप्लीकेशन उसको अप्रूव करेगी। ठीक है, ऐसा कई क्रिएटरों के साथ हो चुका है जिसका सारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका हो और फिर जब उसने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करा हो तो उसका मोनेटाइजेशन उन्होंने कर दिया और रिजेक्ट कि भाई हम ऐसा कंटेंट वो नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम अर्निंग नहीं देंगे, ऐड नहीं लगाएंगे। तो भाई ऐसा नहीं है कि बस खाली क्राइटेरिया कंप्लीट करो और तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, तो अभी जो ये नया वाला जो क्राइटेरिया आया है, इसमें क्या है, अगर आप ये कह रहा है, इसमें है चार ऑप्शंस है मेन। ठीक है, या तो 500 सब्सक्राइबर उसके साथ 3 वीडियो भी हो, ठीक है, या फिर 3000 घंटे का वॉच टाइम उसके साथ शॉर्ट्स के लिए क्या हो, 3 मिलियन व्यूज़, यानी कि 30 लाख व्यूज़ है ना इंडियन में अगर हम देखें। और इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो ये कह रहा है कि कुछ ऑप्शंस हो जाएंगे, जैसे कि मेंबरशिप इन्होंने दिखाया हुआ है ऊपर, यहाँ ये लिखते हैं ज्वाइन अदर सक्सेसफुल क्रिएटर हु अर्न मंथली रिवेन्यू विद मेंबरशिप। ठीक है, तो तुम्हारा जो मेंबरशिप वाला ऑप्शन है ये इसको ऑन कर देंगे, मतलब जो देखा होगा ना चैनल पे ज्वाइन वाला ऑप्शन आता है, तो ज्वाइन वाला ऑप्शन तुम्हारा ऑन हो जाएगा और तुम्हारी थोड़ी बहुत अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद तो तुम्हें पता है वो 1000 और 4000 वाला जो है उसमें तो बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब क्या है कि मैं फाइनल में तुम्हें एक बात ही कहूँगा यार, कि देखो अगर तुम्हें YouTube पे आना है और कुछ करना है, अगर तुम मजे मजे के लिए आ रहे हो कि भाई हम भी चैनल बना लेंगे, नॉर्मल ऐसे ही क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा और हमारी भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो इस सोच के साथ मत आना, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर तुम कुछ कर रहे हो ना तो मैं तो तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि भाई तुम्हारा जो फेस वैल्यू है, अपने फेस के साथ कोई कॉन्टेंट लाओ, तो उसको है ना बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि तुम्हारा फेस वाला कंटेंट है जिसमें तुम खुद बैठ के कुछ चीज़ बता रहे हो लेकिन उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, मोस्टली अप्रूव ही होता है। तो भाई इनको पता है बंदा सामने बैठ के खुद आया है, खुद बता रहा है, खुद की ऑडियो वीडियो सब कुछ है। ठीक है, तो इसको अप्रूव करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे होते हैं, तुमने देखा होगा बहुत सारे फैक्ट के चैनल ऐसे होते हैं जिसमें कोई दिखता भी नहीं है, तो ऐसे चैनल बड़ी मुश्किल से मोनेटाइज होते हैं। ठीक है, अभी जो बड़े बड़े फैक्ट चैनल हैं, जैसे मैं नाम लूँ, एक है ध्रुव राठी, एक जो गेट सेट फ्लाई वाला है उनको उनका नाम चेंज हो गया, गौरव ठाकुर हो गया, एक नीतीश राजपूत हो गए, जैम टीवी हो गया। अच्छा हाँ, इनमें एक चैनल जैम टीवी ही ऐसा है जो वो खुद नहीं आते हैं लेकिन फैक्ट वीडियो बनाते हैं, लेकिन वॉइस उनकी खुद की होती है, सारा कंटेंट उनका रिसर्च किया हुआ खुद ही होता है। और अगर मैं बात करूँ गौरव ठाकुर हो गया और नीतीश राजपूत हो गया और एक और ध्रुव राठी हो गया, ये खुद के फेस के साथ भी आते हैं, कुछ ना कुछ पिक्चर चलती रहती हैं बैकग्राउंड में, या कुछ ना कुछ पिक्चर बैकग्राउंड में प्ले होती रहती हैं, उसके साथ साथ ये खुद भी आके बताते हैं। और इनमें भी सारों में नीतीश राजपूत ऐसा है जो बहुत देर तक खुद ही बताते हैं, उनमें कम से कम पिक्चर यूज होती हैं। तो मैं ऐसे ही चैनल के लिए कह रहा था, ऐसा ही चैनल मोनिटाइज हो जाता है जल्दी। ठीक है, तो बस मैं ये कह रहा था कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारा सारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया और भाई हम तो चले अब हमारा काम हो गया और हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो अगर तुम पहले से पहले ही सोच के ये सारी चीज करोगे कि मैं दूर तक देख पा रहा हूं कि मुझे कहां पे जाना है, तो सही होएगा, वरना अगर तुम ऐसे ही आ गए और तुम्हें पता चला कि भाई तुम्हारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, चैनल तुम्हारा ऐसा था कि अच्छी खासी रैंक कर रहा था लेकिन उसके साथ फिर सीन हो गया, वो अप्रूव ही नहीं कर रहे, तो फिर तुम कमाओगे कैसे। ठीक है, अब बात आती है जो कॉपी पेस्ट कंटेंट होता है उसी की। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि यार ये वो सामने वाला तो कर रहा है कॉपी पेस्ट कंटेंट यूज, ये फलाना ये फलाना। भाई यूट्यूब की जो पॉलिसी है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, अगर तुम कॉपीराइट वाला कंटेंट यूज़ कर रहे हो, जैसे किसी का कॉपी पेस्ट कर रहे हो और उस पर कॉपीराइट नहीं आया यूट्यूब पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जो मोनेटाइजेशन के लिए तुम जब अप्लाई करोगे वो हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे चैनल, इनके साथ पता क्या होता है,
जो इस तरह के चैनल होते हैं उनके साथ क्या होता है, रातों रात वो चैनल डिलीट हो जाते हैं, ना कोई मेल आता ना कुछ। फिर वो सुबह को देखते हैं, भाई हमारा तो एक चैनल था वो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। वो अपनी कोई गलती नहीं बताएगा कि भाई तू किस तरह का कंटेंट कहाँ से उठाता था, तू क्या कर रहा है, नहीं सीधा कह देंगे भाई यूट्यूब ने हमारा चैनल हटा दिया, वो फलाना फलाना। तो फिर तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुम्हें नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।